शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो रोमिल, रोमिल मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। तुम प्लीज पिछली सारी कड़वी बातें भूल जाओ और मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मैं मेरी दुगनी उम्र वाली इंसान के साथ कैसे शादी निभा सकती हूँ? प्लीज मेरी बात समझो रोमिल मुझे। हेलो हेलो रोमिल, अरे वाह, हमारा स्वागत फूलों से किया जा रहा है। कितनी प्यारी खुशबू है ना फूलों की। क्या बात है, ये फूलों की सजावट पसंद नहीं आई या पति पसंद नहीं आया? समझ गया। कमलेश, कमलेश। हाँ चाचा। तेरी चाची को ये फूलों की सजावट पसंद नहीं आई, क्योंकि तूने इतनी गंदी सजावट? नहीं, मतलब मुझे ये सजावट पसंद आई। अच्छा, तो तू क्यों खड़ा यहाँ पर? जा, जा जल्दी। आज हमारी सुहागरात, एक काम करो, तुम घूंघट ले लो, मैं चटकनी लगा कर आता हूं। अंकिता, अरे डर क्यों गई? मैं हूं तुम्हारा पति। अच्छा सुनो, तैयार होकर के ना बाहर आ जाओ, तुम्हारे मौसा रमाकांत जी आए हैं तुमसे मिलने के लिए। अंकिता, मुझे ना तुम्हारे जैसा खूबसूरत बेटा चाहिए तुमसे।
असली चांदी का है रमाकांत जी। अरे उदय नमस्कार, वो तो बस ऐसे ही। और बताइए कैसे आना हुआ? जी वो कुछ नहीं, आज सुबह 5 बजे अंकिता का रोते हुए फोन आया। मेरी वाइफ ने कहा कि एक बार हो कराओ। यही तो प्रॉब्लम है आजकल की लड़कियों में, हाथ में मोबाइल फोन क्या आ गया, हर छोटी से छोटी बात इनको अपने मायके वालों को बतानी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही बात मैंने अपनी वाइफ को बोली। वो क्या है ना, पिछले साल अंकिता के माता पिता कोविड की वजह से नहीं रहे, पर ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ रहा है। अब आप बताइए, हम अपने बच्चों को देखें या इसे, इसलिए जल्दी जल्दी शादी करा दी। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा, ठीक हो? जी। वैसे हमारी अंकिता बड़ी गुनी और भरी लड़की है, आपके घर को संभाल कर रखेगी। अरे उदय जी कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए एक मिनट रुकिए। जी लीजिए। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी, काफी महंगी है। आपने कहां से ली? अब आप इस पर मत दिमाग लगाइए कि मैंने कहां से ली, आप तो ये सोचिए कि मैंने आपको दी क्यों है। समझ गया, अब कोई भी फोन आया ना तो मैं बिल्कुल इधर नहीं आऊंगा। और अगर आप आ गए ना तो वो जो 2 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे ना, फिर आपसे वापस ही ले लूंगा। आप निश्चिंत रहिए। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा अंकिता बेटा चलता हूँ। अरे मौसा जी चाय तो पीकर जाइए। नहीं बेटा दुकान के लिए देर हो रही है। तेरा मोबाइल देना अपना। आज के बाद तुमने मुझसे पूछे बिना अगर किसी को कॉल किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकिता अंकिता देखो, मेरी दूसरी पत्नी विभावरी मुझे यहां पर रोज बाय बोलने के लिए आया करती थी। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर, मैं उसे नहीं बचा सका। अब मेरे वंश को आगे बढ़ाने की और इस जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तो इसलिए इसको ना तुम बखूबी निभाना। अंदर जाओ, मुझे ताला लगाना। ताला क्यों? इससे मेरी संपत्ति सुरक्षित रह सके और उस पर कोई नजर ना डाल सके। कहा तुझे कितनी बार कहा ना ये गंदे कपड़े पहनकर मेरी गाड़ी में मत बैठा कर। लूजर बाप का लूजर बेटा, चल जा बस में बैठ कर। क्या
निकलूंगी मैं यहाँ से। कौन है वहां पर? कौन है? रोमिल, तुम मुझे छुड़ाने आ गए? अंकिता, समुद्र के चाचा आराम से आइए, आराम से चाचा सो। अंकिता क्या है तेरी? चाची अभी बुला के लाता हूं मैं। चाची, 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 चाची आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्या हुआ चाची, रो क्यों रही है? नहीं समझी। मुझे बताइए तो सही, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? पर बताकर तो देखिए, मैं चाचा को नहीं बताऊंगा। सच्ची, तुम्हारे चाचा से मेरी शादी जबरदस्ती की गई है। बताइए मुझे, वो आप पर जुल्म भी कर रहे हैं? अगर कर भी रहे तो तुम क्या कर लोगे? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। सच्ची, तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए। अंकिता, मेरी प्यारी प्यारी बीवी, कहाँ पर छुपी हुई है? ये देख, देख ली ना, कितना प्यारा गजरा लेकर के आया। ये गजरा ना प्यारे प्यारे बालों को महकाने के लिए ना बेकरार हो रहा, बेकरार। और फिर ललितपुर के सबसे बड़े वाले होटल से खाना उन्होंने कराया। चल 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 कर खाते हैं। चल 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 हम खुद समझ सकते हैं, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। पहले हम अपने फंश को इस दुनिया में लाएंगे और फिर खाना खाएंगे। तू यार क्या कर रहा है? जा जाकर के प्लेट लगा। और सुन, जाते जाते ना और कुंडे लगा देना। अंकिता, अंकिता जी, मेरी सोने की अंगूठी यहाँ रखी थी, देखो जरा एक बार टेरिस पर तो नहीं है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, जी मेरा नाम ज्योत्सना है। मैंने आपको कहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा, मैं सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ। स्त्री आरोग्य योजना के तहत काम से आई थी। आपकी पत्नी से बात करनी है? नहीं, अब मेरा मतलब है जो कुछ कहना है आप मुझसे कहिए।
शहर प्राधिकरण की तरफ से हर विवाहित स्त्री का बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो इसके लिए आयरन की गोलियां बांटी जा रही हैं। बस इसी सिलसिले में बात करनी। तो ऐसे कहिए ना आप। अंकिता, अंकिता आइए, देखिए इधर आइए, इनसे मिलिए। ये आपकी पत्नी है, उम्र में काफी फर्क है आपके बीच। बिल्कुल सही जवाब। दीदी दीदी जल्दी से गोलियां दीजिए। कौन सी गोलियां देनी है? अरे ऐसे कैसे, अभी तो इन्हें पूरी जानकारी देनी है और फिर फॉर्म भी तो भरवाना है। जी जी बस पहुंच ही रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर कल आ जाएं और सारी जानकारी कल दे दें और कल ही अगर ये फॉर्म भरवा लें। दरअसल मुझे लेट हो रहा है और मुझे कहीं पहुंचना है। आप जाइए, वैसे भी जानकारी तो मुझे इन्हें देनी है। हाँ आप जाइए ना, आपको लेट हो रहा है ना। ठीक। अच्छा अंकिता, वो अगर अंगूठी मिले ना तो देखना जरा। लाई से बैग में गाड़ी में रख दू। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, अभी जो एक औरत आई है ना अंदर, उस पर जरा नजर रखना और जब वो चली जाए तो ये ताला लगा करके ये पकड़ो पैसे, रिक्शा पकड़ करके तुम ऑफिस आ जाए। ठीक है चाचा जी। जी ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा आप चाय लेंगी या कॉफी? मैं ना तो चाय पीती हूँ और ना ही कॉफी, पर अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो मैं नींबू पानी ले लूंगी। बिल्कुल। कमलेश जरा मार्केट जाकर नींबू ले आना। जी मैं आती हूँ। बिल्कुल। और कोई भी परेशानी हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बेझिझक फोन करिएगा। जी ठीक है। अभी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वो वॉशरूम। एक मिनट, तुम्हें तुम्हारे चाचा जी ने कहा ना कि तुम मुझ पर नजर रखो? नहीं मतलब हाँ। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाओ मुझे, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तुम किसकी मदद कर रहे हो। और अब तुम जाओ और वो करो जाकर जो तुम्हारे चाचा जी ने तुमसे कहा। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए आप। क्या है? मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आने वाले कुछ दिन में चाचा जी आपके आस पास तक नहीं आ पाएंगे। अच्छा तुम सच में ऐसा कर सकते हो? 100%। थैंक यू कमलेश। रुको, तुम बस अपना वादा पूरा करो। आप बस देखती जाइए। We'll be right back.
चाची पहले जब गिर कैसे गए चाची उठी 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 आराम से आराम से आप तेरी कवा कोई बात नहीं कोई बात उठी उठी आराम से आइए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ वो फिसल के गिर गए चाचा चलो इन्हें लिटा देते हैं हाँ जिस कुत्ते ने भी मेरी गाड़ी के आगे पाइप लगाए है ना मुझे मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे डॉक्टर ने इन्हें इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयां लिखी है और कहा कुछ दिनों तक हलचल नहीं करने का मैंने अपना वादा पूरा किया अब आपकी बारी है अब मुझे क्या मिलेगा बनाकर रखा है तूने मुझे अभी अभी तेरी एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके आया हूं इधर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और उस दिन मैं तुझे नौकर नहीं बनाऊंगा दुमिलाता कुत्ता बनाऊंगा कुत्ता जल्दी ठीक कैसे हो गए कहाँ खोया हुआ है तू कल से वो पिछली चाचा इधर आ वो
पता लगा कल पाइप और रेत किसने लगाए थे जब आप गाड़ी के पास? नहीं चाचा, वो इतने सारे लोग होते हैं रोड पे, कैसे पता चलेगा किसने रखा? मुझे पता है, मुझे सब पता है तुमने कल रात में क्या क्या किया। पर ये बता, मेरे इतनी चोट लगी थी और तू मुझे मेरे बेडरूम में छोड़ने की बजाय क्या सोफे पे लिटा के चला गया? जी वो डॉक्टर ने बोला था कि आपको मुलायम गद्दे पर सुलाना है, और फिर हमारे बेडरूम का गद्दा तो कड़क है ना। बेडरूम का गद्दा भी बदलना ही पड़ेगा। हाँ, तू क्यों आया यहाँ पर? वो हाँ, डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, कल रात मेडिकल स्टोर बंद था तो अभी लेके आया हूँ। लीजिए, खा लीजिए। नहीं दे, रहने दे, अब मैं ठीक हूँ। चाची आप ही समझाइए ना, ये दवाइयाँ कितनी जरूरी है। ये दवाई खाने से नींद आती है, और इस हालत में नींद कितनी जरूरी है आपको। हाँ सही तो कह रहा है, और आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। इतनी छोटी सी तो गोली है, झट से खा लेंगे आप। ये लीजिए। अच्छा तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। खड़ा है यहाँ पर, जा तू जा। अंकिता कि मैंने टेरेस पर कपड़े सूखने के लिए डाले, मैं लेकर आती हूँ। चलो भैया, आज बीवी के साथ तो मैच नसीब में दिख नहीं रही, टीवी पर ही मैच देख लेते हैं। इस बार ऐसा लगा कि ओवर रन कर गए हैं, पर जी नहीं, चार रन मिले हैं। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल, वन बाउंस चौका, इनके जैसा कोई हार्डिच नहीं है। बाउंड स्टंप्स, कितना अच्छा संपर्क, ज्यादा अच्छा लगता नहीं जी। नीचे है फील्डर, पर ट्रिपल लगवाया एक बार। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। खाते में ज्यादा रन नहीं है, कदमों का इस्तेमाल किया, मिथुन ने पिच, अच्छा कैच, पैर तो पूरी विकेट है, बढ़िया ये कैच। ये गेंद भी जरूर ऊपर गई है। कमलेश तुम दरवाजे से आए हो? नहीं, मैं छत पे चढ़ा, फिर सीढ़ियों से सीधा उतर के आपके लिए आया। मेरे लिए? हाँ। और अपने लिए नहीं? क्या तुम्हारा और क्या मेरा, ये सब हमारा ही तो है। सब? हाँ। ये गाड़ी भी, ये घर भी, सब? हाँ, ये सब हमारा है। तो फिर अपने ही घर में चोरी क्यों करते हो? अपने पॉकेट से कुछ निकालने को चोरी नहीं कहते अंकिता। पर ये तो तुम्हारे चाचा जी की पॉकेट है। हाँ, मगर ये पूरा सच नहीं है अंकिता। हमारे पिताजी ने गांव की जमीन बेच के चाचा जी को बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे दिए, और ये तरक्की सिर्फ चाचा जी की नहीं है, मेरा भी उतना ही हक बनता है। और वैसे भी चाचा जी के बाद तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही तो है, और जिस पे मिलके मैं और तुम राज करेंगे,
राज। अरे रुको, वो आ जाएंगे। नींद की गोली का असर 2 घंटे तक रहता है। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, कल रात मेडिकल स्टोर बंद था तो अभी लेके आया हूँ, लीजिए खा लीजिए। दूर मत जाओ ना। छोड़ो ना, बहुत देर हो गई है, वो जग जाएंगे। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख चुका हूँ। पति बाहर सो रहा है और यहाँ भतीजे के साथ रंगरेलियाँ बनाई जा रही हैं। देखिए मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अपनी चाची के साथ संबंध बनाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसी बात नहीं है मौसा जी। एक मिनट, तुम यहाँ दिन दहाड़े मजे कर रहे हो, उदय बाहर आराम से सो रहा है, आखिर चक्कर क्या है? वो क्या बताओ बताओ, वरना मैं जाकर अभी उधर। नहीं मौसा जी प्लीज, आप चाचा जी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। कुछ मत, हमने उन्हें नींद की गोलियां दी है। वाह, बहुत पहुंचे हुए तुम दोनों तो। ठीक है, मैं अभी जाकर उधर को उठाता हूं। नहीं नहीं मौसा जी प्लीज, आप ऐसा कुछ भी मत करिए प्लीज। आप मौसा जी जो कुछ भी मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार है प्लीज। हां मौसा जी, हां पक्का। तो ठीक है, हमें भी वही चाहिए जो कमलेश को मिल रहा है। छी मौसा जी, आपको ये सोचते हुए शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। हर बेटी जैसी हो ना, बेटी तो नहीं हो। सोच लो, मेरा कहा मानना है या उदय के हाथों मरना है? ऑफ। अंकिता आप ठंडे दिमाग से सोचो, ऑफ बैठो यहाँ। देखो अगर चाचा जी को ये सारी बातें पता चल गई ना तो वो हम दोनों को सच में जान से मार डालेंगे, और उसके बाद ना ही हमारा जान बचेगा और ना ही ये प्रॉपर्टी। लेकिन फिर भी कमलेश। अरे फिर भी क्या, तुम रुको, तुम कहां चले? उधर दीवार पर मुंह करके खड़े हो जाओ। अंकिता, उदय जी, कमलेश और अंकिता का आपस में लड़ाई चल रहा है, मैंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया, तुम मुझे पीटने लगे, वो तुम्हें भाग ही रहता कि अच्छा हुआ आपने मुझ पे जा लिया। आज तो ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ना मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि मुझे तुझसे औलाद चाहिए,
वरना तेरी तो मैं आज जान ही दे देता। और मैं आज इस कमलेश को छोड़ूंगा नहीं मैं। सब खत्म हो गया, लेकिन लेकिन कमलेश कभी खत्म नहीं होगा। अंकिता हमारे साथ चलो, अंकिता हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, हमें यहाँ से भागना ही होगा। पर तुम तो वापस चले गए थे ना, तो तुम क्यों वापस आए? तुम्हारे लिए अंकिता और किसके लिए? ठीक है चलो चलो, लेकिन एक मिनट अंकिता, हम बाहर की दुनिया में रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? वो सब बाद में सोच लेंगे कमलेश, अभी तो इस नरक से बाहर निकले। अंकिता तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बाहर की दुनिया में हमें पैसों की जरूरत होगी। तो क्या करें? अंकिता वो गहने और पैसे कहाँ हैं? कहाँ हैं? वो इस अलमारी में है, लेकिन मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ। चलो जल्दी चलो। एक मिनट, क्या हुआ अंकिता? जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो चलो। अब हम तक कोई नहीं पहुंच सकता, अब कुछ दिनों के लिए यही हमारा आशियाना होगा। और उसके बाद? उसके बाद वो जेवर बेच देंगे और दिल्ली में जाके ऐश करेंगे। लेकिन कमलेश, इस तरह तो हमारे सारे पैसे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अरे तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके उस चाचा का काम तमाम कर चुका हूँगा, और उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा बैग में से कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेके आता हूँ। हाँ। क्या हुआ? पैसे नहीं मिल रहे। पैसे नहीं है? क्या मतलब पैसे नहीं है? मैंने तो बैग में ही रखे थे, पर ये अगर बैग में रखे थे तुम गए कहाँ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता? तुम ही तो बैग लेकर भाग रही थी ना। कमलेश हो सकता है भागते दौड़ते हुए कहीं गिर गए होंगे, बैग में चेन नहीं लगी थी। कहाँ गिरा ये पैसे और जेवर? तुम्हें क्या जरूरत है उन पैसों की? हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। अरे हम दोनों एक दूसरे का गचाट डालेंगे, जो पैसे ढूंढ कर लाओ। मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, पर ढूंढ कर लाओ। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे चाचा की डांट टपट खाता था, पर उसे चिपक कर रहा था। चाचा आज नहीं तो कल वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे चाचा के साथ दुश्मनी हो गई। तुम्हारी वजह से पैसे कमाने का सारा मौका भी मेरे हाथ से चला गया, जिसके लिए ना सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी लालची नियत के बारे में पहले ही पता चल चुका था, और आज पैसों के लिए तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया।
और अब इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्या क्या कर लोगी तुम हैं? कुछ नहीं कर सकती तुम। मैं तो कर चुकी हूं, तुम्हारे चाचा को कॉल। और तुमने चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये सब इसका किया कराया है, इसने अपना जलवा दिखाकर ना मुझे आपके खिलाफ भड़काया चाचा जी। और देखिए ना मेरे खिलाफ डबल गेम खेल रही है। कमलेश, ये मेरी पत्नी है। तेरी चाची। सही किया आपने, इस घर के बेटी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। जी आज ना मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित हो गया है, और आपने मुझे माफ कर दिया ना। माफ, एकदम माफ। तुम ना होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा भतीजा कमलेश मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो अपने गले लगा लीजिए ना। संतान ना होने पर धोखे से अपनी पत्नियों को मार डाला था। उस दिन घर के पास में मुझे कोई दिखा था। आप कौन है? मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं उदय की दूसरी पत्नी विभावरी की दोस्त हूँ, और मुझे शक है कि उसकी दोनों पत्नियों के मौत के पीछे उदय का हाथ है। क्या? लेकिन वो क्यों मारेंगे अपनी पत्नियों को? यही तो मुझे भी जानना है, इसीलिए तो मुझे विभावरी का सारा सामान चेक करना है, ताकि मैं सबूत जुटा पाऊं उदय के खिलाफ। और मैं अंकिता, अगर मेरा शक सही है, उदय का अगला शिकार तुम। लेकिन अगर मुझे वजह पता चल गई तो हो सकता है कि मैं तुम्हें बचा पाऊं। तो बोलो अंकिता, तुम साथ दोगी मेरा, करोगी मेरी मदद? ठीक, आप कल उनके ऑफिस जाते वक्त आ जाइएगा। ये मुझे फंसाने की साजिश है, मैं क्यों करूंगा अपनी पत्नियों का खून? उनका ही नहीं तो मेरा भी खून कर देते अगर तुम्हें मेरे से संतान नहीं मिलती तो, क्योंकि तुम नपुंसक हो। झूठ, बिल्कुल झूठ। कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। मैंने उस दिन डायरी में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखे थे, जो कि विभावरी ने तुमसे बिना पूछे करवाए थे। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की सच कह रही है, मैंने देखा ये दोनों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, और तभी मैंने आपको कॉल किया। सर, इसी आदमी ने इस लड़की के पति को मारा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। झूठ, ये झूठ और सच का खेल हालात में जाकर खेलना। एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। तो चल यहाँ से।